गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डू कंटिन्यू अवर चैप्टर 12 साउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द चैप्टर्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी. सो ये 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है. चैप्टर का नाम है साउंड्स. तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करने से पहले हम रिमाइंड करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस वीडियोज गई हैं इस चैप्टर्स की, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं. तो हमने सबसे पहले पढ़ा है साउंड. व्हाट इज साउंड? साउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि साउंड्स क्या है. प्रोपागेशन, साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है, और साउंड्स की वेव्स क्या हैं. साउंड्स भी एक वेव्स ही है, बट वेव्स में कैसे ट्रैवल करती है. टाइप्स ऑफ वेव्स आल्सो. सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो पता कर लिया था कि साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और सबसे अच्छा मीडियम उसके लिए एयर होता है. बट वो ट्रैवल कैसे करती है मीडियम में. हाउ साउंड्स ट्रैवलिंग इन मीडियम लाइक एयर. सो टूडे अवर टॉपिक इज दैट मीडियम टू ट्रैवल. ओके स्टूडेंट्स, यस. सबसे पहले इसके लिए हम एक अप्रेंटिस सेट करते हैं, एक ऐसा अप्रेंटिस जहां पर पहले मीडियम एयर होता है और धीरे धीरे उसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं. तो हम दैट इज द अप्रेंटिस वी विल यूज इन दिस एक्टिविटी. सो हम देखते हैं कि यस, यहाँ देखते हैं. That is the apprentice. ये एक apprentice है जिसको हमने set कर लिया है, और हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी sounds होती है वो कैसे medium में travel करती है. उसके लिए हमने एक bell jar लिया है. ये एक jar है यहाँ, और jar के अंदर एक यहाँ electric bell लगाई है. That is the electric bell. Electric bell लगाई है, और इस electric bell का ये main switch लगाया है ऊपर. Vacuum switch लगाया है, मतलब main switch लगाया है इसका. और ये कॉर्क लगाई है यहाँ इसके मुंह पर. बॉटल जो जार है उसके मुंह पर हमारा एक वुड का कॉर्क है, और ये स्विच है. इस स्विच के द्वारा हम इसको कॉर्क को ओपन करके एयर को अंदर बाहर पास कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि इस अप्रेंटिस के अंदर क्या फील्ड थी. एयर फील्ड थी. एयर फील्ड थी. तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है. तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं तो बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. तो हम कुछ डिस्टेंस पर बैठे हुए भी अपने कानों के द्वारा इसकी जो साउंड्स है वो सुन लेते हैं कि हाँ, जार के अंदर ये जो बैल जार है इसके अंदर रिंगिंग साउंड यानी बैल की आवाज आ रही है, घंटी की आवाज आ रही है, और हमें सुनाई देता है. फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस कॉर्क स्विच को ओपन करते हैं और इसके अंदर से कुछ एयर बाहर की साइड निकाल देते हैं. तो एयर जैसे हमने बाहर निकाली, तो जैसे फिर हमने क्या कि इलेक्ट्रिक बैल को जो मेन स्विच है ये प्रेस किया, तो क्या हुआ कि घंटे की आवाज क्या होगी, फेंट हो गई. क्या होगी, फेंट, मतलब कुछ धीमी हो गई. और नेक्स्ट टाइम पर हमने क्या किया कि इसके अंदर से एयर के अंदर से पूरी एयर को फिनिश कर दिया. पूरी एयर को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया हमने. यहां जो एयर इसके अंदर थी उसको धीरे धीरे पूरी एयर को निकाल दिया, और एक पोजीशन ऐसी क्रिएट की कि इसके अंदर एयर बिल्कुल फिनिश्ड हो गई, और क्या बन गया उसके अंदर, वैक्यूम क्रिएट हो गया. क्या हो गया, वैक्यूम. वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो पोजीशन होती है जहां पर, वह प्लेस जहां पर एयर, वाटर या मॉइस्चर कुछ भी ना हो, वहां पर वैक्यूम होता है. तो अब इस ये जो हमारा जार है इसके अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और कॉर्क को मेन स्विच के द्वारा बंद कर दिया. अब जैसे ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसका स्विच हमने प्रेस किया, तो घंटी ने बजना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे कान तक, जो हमारा कान था, इसकी आवाज हम तक नहीं आई. क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब वैक्यूम था. जैसे ही घंटी तो बज रही है, वाइब्रेशन भी हो रहे हैं, बट हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो एयर, जो मीडियम था, वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, और वैक्यूम क्रिएट हो गया. तो जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ, घंटी की बेल को प्रेस करने के बाद भी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने के बाद भी, इसकी साउंड्स हमारे एयर तक, ईयर तक नहीं पहुंच पाई है. तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि वैक्यूम तो कोई मीडियम है नहीं. इसलिए जब वैक्यूम था इस जार के अंदर, तो हमारे कानों तक कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई. वी कैन से दैट एयर साउंड्स नीड्स टू मीडियम टू ट्रैवल एंड प्रोपागेशन. साउंड्स को प्रोपागेट होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और सबसे बेस्ट मीडियम उसके लिए क्या होता है, एयर होता है. वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए.
टू शो दैट, मान लीजिए एक्टिविटीज है टू शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. द अप्रेंटस, अप्रेंटस मतलब जो हमारा ये अप्रेंटस था जो हमने ये प्रिपेयर किया. द अप्रेंटस इज स्टेटस शोन इन द फिगर. व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जब हम इस इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल है लाइट से चलती, उसका उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं यहाँ से मेन स्विच से, बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एंड वी कैन इजिली हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल. बेल बजनी शुरू हो जाती है और हम यहाँ पर बैठ कर इसकी आवाज आराम से सुन सकते हैं. बट एज वी स्टार्ट रिमूविंग एयर, जैसे जैसे हम एयर को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर जो एयर थी उसको रिमूव करना यानी बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं ऑफ वैक्यूम पंप के द्वारा, द साउंड्स ऑफ द रिंगिंग बेल गोज ऑन बिकमिंग फेंटर एंड फेंटर. वैसे वैसे जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जाएगी वैसे वैसे रिंगिंग जो बेल है हमारी उसकी रिंग्स क्या होगी, फेंटर एंड फेंटर, बहुत धीमी धीमी होती चली जाएगी. फाइनली व्हेन वी देयर इज नो एयर, और जब इस बेल जार के अंदर कोई भी एयर लेफ्ट नहीं बचेगी, द साउंड्स ऑफ द रिंगिंग बेल स्टॉप्स, और रिंगिंग जो है, जो साउंड्स की रिंगिंग है, जो बेल की रिंगिंग्स है, उसके साउंड्स हमारे एयर तक आनी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम इस बेल जार के अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता है. तो इससे प्रूफ होता है कि साउंड्स को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत, मीडियम इज वेरी नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड्स. ओके, गेट इट स्टूडेंट्स? यस. नेक्स्ट इज दैट हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. साउंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले इसका टॉपिक आता है लाउडनेस. व्हाट इज लाउडनेस? इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन. ये सेंसेशन की डिग्री पर मेजर करता है, मीन्स सेंसेशन हमारे एयर का, ईयर का सेंसेशन कितना होता है उस पर मेजर करता है. ऑफ साउंड इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. यस, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है. एम्पलीट्यूड में पहले भी बता चुकी आपको, मान लीजिए ये कोई वेव्स हैं, ये वेव्स इस तरह से ट्रेवल कर रही है ये यहाँ, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये यहाँ ये वेव यहाँ से कितनी हाइट तक गई ऊपर और नीचे कितनी डीप मतलब गहराई तक आई. जो जो हमारे थ्रोर क्रस्ट बनते हैं उनकी जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. मोर इज द एम्पलीट्यूड मोर देन लाउडर इज साउंड. अगर एम्पलीट्यूड बहुत अधिक होगा तो साउंड्स भी क्या होगी, मोर मतलब अधिक होगी. इट इज मेजर्ड इन द यूनिट डेसिबल, और इसको डेसिबल यूनिट द्वारा मेजर किया जाता है. डेसिबल इज द यूनिट्स ऑफ साउंड्स, और उसको हम शॉर्ट्स में लिखते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी के द्वारा लिखा जाता है डेसिबल को. जैसे आप यहां देखते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव्स है, इस वेव्स का एम्पलीट्यूड मतलब कैसा बन रहा है, ये वेव्स इस तरह से है एम्पलीट्यूड, ये इस तरह का, यानी कि सॉफ्ट साउंड होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल है वो क्या चल रहे हैं, फ्रो एंड मोशन हो रहा है आगे पीछे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत अधिक, बीच में गैप बहुत अधिक है. और अगर ये हमारी साउंड इस तरह से बनती है मीन्स इसका क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड अधिक होगा, तो जब एम्पलीट्यूड अधिक होगा तो साउंड्स कैसी होगी, लाउडर होगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट हम देखते हैं पिच. व्हाट इज पिच? इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द श्रिलनेस, डिपेंड्स ऑन साउंड. श्रिलनेस, व्हाट इज श्रिलनेस? श्रिलनेस इज द, कहते हैं ना आवाज में बहुत तीखापन, आवाज जैसे कि पैरट, पैरट की आवाज कैसी होती है, श्रिल होती है, बहुत ही बारीक होती है, फेंट होती है उसकी आवाज. तो श्रिलनेस इज प्रॉपर्टी दैट जो हमारी साउंड्स होती है वो कितनी तीखी, कितनी कुछ फीमेल्स या कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी वॉल्यूम बहुत दूर तक चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द श्रिलनेस. तो वो कहलाती है उनकी पिच. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, और ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है. मोर इज द फ्रिक्वेंसी मोर द वॉइस इज श्रिल्ड, जितनी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी उसकी जो श्रिलनेस है वॉइस की वो उतनी अधिक होगी. लेस इज फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी लेस होगी तो डीप इज साउंड. साउंड क्या होगी, डीप कह रही होगी. देखिए ये लो पिच ही है. लो पिच क्यों है, क्योंकि जो हमारी वेव्स है ये बहुत स्लो बन रही है, ये लो पिच हो गया. और हाई पिच में क्या होगा, एम्पलीट्यूड अधिक होगा, है ना. तो लो पिच कैसे होती है, लो पिच की वेव्स इस तरह से बनेगी. तो लो पिच जितनी होगी क्या होगा, उतनी ही जो श्रिलनेस होगी वो, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द श्रिलनेस डिपेंड्स ऑफ साउंड.
साउंड की श्रिलनेस पर डिपेंड करता है, तो जो लो पिच होगा वो होती है उसकी श्रिलनेस अधिक होगी। ओके नेक्स्ट इज दैट क्वालिटी। क्वालिटी यस क्वालिटी क्वालिटी इज द प्रॉपर्टी, क्वालिटी वह प्रॉपर्टी है बाई विच वन कैन डिग्निफाइज बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स, जिसके कारण किसी हम दो पीपल्स, दो एनिमल्स या किसी भी दो ह्यूमन बींग्स की साउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस, चाहे उनकी पिच सेम हो चाहे उनकी लाउडनेस सेम हो। तब भी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए किसी रूम्स के अंदर या घर के बाहर तुम्हारे दो फ्रेंड्स आपस में टॉकिंग कर रहे हो, तो आप उनकी साउंड्स को बाहर से ही सुनने के बाद बता सकते हो कि ये मेरे वो वाले फ्रेंड्स हैं जो आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। उस तरह से हम बता सकते हैं कि क्वालिटी इज द प्रॉपर्टी बाई विच वन कैन वी डिफ्रीसिएंट या डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू पर्संस विद द हेल्प ऑफ दियर साउंड्स। ओके नेक्स्ट इज दैट इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ साउंड्स वेव्स पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। किसी भी वेव्स की इंटेंसिटी डिपेंड करती है किसी एरिया के 1 मीटर स्क्वायर में से जो 1 सेकेंड में पास होती है। मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर एक एरिया है, तो इसके अंदर से जो वेव्स 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेव्स। इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए एक क्वेश्चन सब यहाँ पे सामने आया, विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। किसकी पिच हायर होगी? एक गिटार है हमारे सामने और एक हमारे पास है कार का हॉर्न, तो हम कैसे कहेंगे कार हॉर्न इज लाउडर देन गिटार। कार का जो हॉर्न होगा वो गिटार से लाउडर होगा, बट गिटार हैज द हायर पिच, बट गिटार का क्या होगा पिच हायर होगा, लाउडनेस कार के हॉर्न की अधिक होगी बट पिच किसका होगा, गिटार का पिच अधिक होगा देन द कार हॉर्न। फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिटार इज हायर, तो फ्रीक्वेंसी किसकी हायर होगी, जिसका पिच हायर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार इज हायर देन द हॉर्न ऑफ कार। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं कि लाउडनेस किसी की अधिक हो तो उसका पिच या फ्रीक्वेंसी हायर होगी, ऐसा नहीं है। लाउडनेस जिसकी अधिक होगी उसका पिच और फ्रीक्वेंसी उससे क्या होगी, अधिक होगी। ओके गॉट इट? यस ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।